सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी निकुट सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14 जुलाई 2022 को थाना सरसावा पुलिस स्वाट टीम एवं अभिसूचना विंग सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राज्यीय गिरोह के दो शातिर चोर पवनीत सिंह पुत्र कर्नैल सिंह निवासी दुगरी फेस दो थाना आतमपाक जिला लुधियाना पंजाब और राजिक पुत्र मौ हाशिम निवासी अम्बेहटा थाना निकुट जनपद सहारनपुर हाल पता मोहल्ला गुरु गोविंद सिंह नगर थाना टिब्बा रोड जिला लुधियाना पंजाब को बाद पुलिस मुठभेड़ हाईवे बाईपास पुल के पास निकुट सरसावा रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है, जबकि गिरफ्तार अभियुक्तों के दो अन्य साथी मौके भागने में सफल रहे। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद गाड़ियों को पंजाब के जनपद लुधियाना जलंधर एवं फगवाड़ा से चोरी करना स्वीकार किया गया है तथा बताया कि हम दोनों तथा मौके भागे हुए हमारे साथी हैदर के साथ मिलकर पंजाब के जनपद लुधियाना जलंधर एवं फगवाड़ा तथा अन्य स्थानों से गाड़ियों को चोरी करके भागे हुए साथी फरमान पुत्र जहर निवासी चकवाली थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर के माध्यम से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेचते हैं। भागे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। सहारनपुर पुलिस की स्वाट विंग अभिसूचना शाखा और सरसावा थाने की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक वाहन चोरी करने वाला बड़ा गैंग पकड़ा गया है। यह गैंग मुख्यतः पंजाब हरियाणा से वाहन चोरी करके अपने कुछ साथियों के द्वारा सहारनपुर में इन वाहनों को बेचा करता था। इसमें कुल दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक क्रेटा गाड़ी, एक बुलेरो पिकअप और एक टाटा 407 बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से अवैध तमंचे और कुछ कारतूस गोलियां भी बरामद हुई हैं। दो इनके अन्य साथी हैं जो इसमें वांछित हैं, जो फरार हो गए हैं मौके से, मैं उनकी भी तलाश है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा इस गुड वर्क के लिए इस टीम को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड घोषित किया गया है। सर, अभी तक कितने वाहन लोगों ने चुराए हैं जो इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं और कहां-कहां ये लोग बेचते थे, कहां का सप्लाई करते हैं? देखिए, तीन तो हमने बरामद कर लिया, इन्होंने अन्य भी सूचनाएं दी हैं जिसको हम बरामद करने की कोशिश करेंगे। और ये मुख्यतः सहारनपुर से, क्योंकि बॉर्डर का जिला है, यहां से एंट्री लेते थे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के जिलों में इसको बेचने की कोशिश करते थे।